जदयू जदयू से भाजपा डर जाएगी। जदयू को पैदा किया भारतीय जनता पार्टी। ललन जी के चरण का चरणामृत पीते हैं और वो हमसे आकर के बात करते हैं। अच्छा ललन बाबू अपना सीट मुंगेर से बचा लें पहले, फिर हम लोग मिलेंगे। लालू जी के पुत्र नहीं रहते तो आपके जगह भी उनको नौकरी मिलती है, उनसे डर जाएगी भाजपा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। कयास कई है, जेडीयू के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी से घबराने लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक बचौल जी है। अभी से घबराने लगे हैं क्या? नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं। अच्छा, इस पर मुझे आपत्ति है जी। चाहे जदयू कहे कि आप कहे जी, क्यों हम जदयू से घबरा जाएंगे? कितना उनका औकात है, कै गो सीट है, कै राज्य में है, हम कहाँ हैं? जदयू जदयू से भाजपा डर जाएगी। जदयू को पैदा किया भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो जदयू को कै गो सीट था? जदयू वाले तो कह रहे हैं, सुनिए ना, कै गो सीट? आप जदयू वाले से पूछिए, 7 गो सीट था, 7 गो 95 में एमएलए का सीट था। अच्छा अच्छा क्या है, पूछिए उनसे जाकर के, हम क्यों डर जाएंगे? नहीं, वही लोग कह रहे हैं उखाड़ कर फेंक देंगे। हाँ, उखाड़ के फेंक देंगे तो जनता देखती है। हाँ। उनकी उत्पत्ति किससे हुई थी? हाँ। लालू जी के विरोध में ना। हाँ। लालू जी के चरण का चरणामृत पीते हैं और वो हमसे आकर के बात करते हैं। क्या है जदयू, आने दीजिए इलेक्शन। जदयू को कोई मोरल अधिकार है 24 में लड़ने का? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते थे कि जमानत ये सेमीफाइनल है, तो जो सेमीफाइनल जीतता है वही फाइनल जीतता है, जो सेमीफाइनल हार गया उसको खेलना नहीं चाहिए, नैतिकता नहीं है। आप जाकर पूछिए, जाकर पूछिए जो कुडनी में माननीय ललन बाबू बोलते थे कि नहीं जी सेमीफाइनल है जी, तो जो सेमीफाइनल जीतेगा वही ना फाइनल जीतेगा, खेलेगा। नहीं, एक तरफ विपक्ष की बैठक हो रही है, महाराष्ट्र में दूसरे फेज की बैठक होने वाली है, और ललन सिंह खुद कहते हैं, ललन सिंह का आप नाम ले रहे हैं, ललन सिंह खुद कहते हैं कि केंद्र सरकार को उखाड़ फेंक देंगे, अब समय आ चुका है, मोदी सरकार को जाना है। अच्छा, ललन बाबू अपना सीट मुंगेर से बचा लें पहले। अच्छा, फिर हम लोग मिलेंगे। वो भी जाने वाला है, लगता है 40 में 40 सीट जीतेगी बीजेपी। ललन बाबू इससे पहले उतना क्षेत्र में जाते थे जितना जा रहे हैं? ओवरसीयर, इंजीनियर, एसडीओ, डीएसपी सबको लेकर के जो जा रहे हैं, पहले जाते थे जी। क्यों जा रहे हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर गई, भारतीय जनता पार्टी ये हो गई, रहे मुगालते में, टेंशन में नहीं है कुछ। क्यों क्यों टेंशन में रहेंगे? नहीं, वो लोग कह रहे हैं जैसे माहौल बना, वो लोग के कहने से वो लोग कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। जो वो लोग नुका गए, वो लोग चौकी तर में खटिया तर में चले गए। अच्छा 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 क्या बोलने से अपना मुंह है, जो बोलना है बोलिए। तेज प्रताप यादव आज एक कार्यक्रम में गए थे, वो कह रहे हैं कि पहले बीजेपी वाले एक बात के, तेज प्रताप जी आपकी प्रतिभा आप में है कि तेज प्रताप जी में जी। लालू जी के पुत्र नहीं रहते तो आपके जगह भी उनको नौकरी मिलती है, उनसे डर जाएगी भाजपा? हद हो गया, कोई डरने वाला नहीं है। काहे डरेंगे, जेल जाएंगे वो लोग, केस उन पर है, एफआईआर उन पर है। हाँ। 32 वर्षों से देख लिया चचा भतीजा का खेल उनका। हाँ। जेल जाएगी भारतीय जनता पार्टी। हाँ। मैं डर रही है भारतीय जनता पार्टी। 24 में एकदम नीतीश कुमार को हटा देना, अब तो समय बताएगा। 24 में 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तैयारी पूरी। हमारा 365 दिन 24 घंटा की पार्टी है। इलेक्शन में कुकुर मुत्ते की तरह इलेक्शन दिना जात पात बना करके, ऐसी पार्टी हमारी नहीं है। चलिए, तो देखिए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल थे और कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में दिखा देंगे नीतीश कुमार को, जो चौकी के अंदर छुपे रहते हैं उनको भी दिखा देंगे। बहरहाल, इस खबर में सताएं, अगर आपने अब तक लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।